गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप लोग? आज बच्चे मैं आपको करवाऊंगी पार्ट नौ, पहले मैं। तो बेटे ये हम कब करते हैं, पहले मैं, है ना? सभी करते हैं ना मोस्टली? यस, ये हम करते हैं बेटे जब भी हम कोई खेल खेलते हैं, है ना? तो सब बच्चे वहां पे क्या कर रहे होते हैं कि पहले मैं, मतलब कि पहले मेरे को बारी चाहिए, है ना? लेकिन बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार जो क्या है, हमारी आपस में लड़ाई भी हो जाती है और हमारा जो खेल है वो सारा ही खराब हो जाता है। हमें पहले में ना करके समझदारी से काम लेना चाहिए और खेल को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है? अच्छे से खेल को मिलकर खेलना चाहिए। तो बेटे ये जो पाठ मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें भी यही है कि कैसे बच्चे खेलने के टाइम पहले मैं की जिद करते हैं, लेकिन उनके जो अंपायर अंकल हैं, जो इस खेल में अंपायर बने हैं, वो कैसे अपनी समझदारी के साथ उनको समझाते हैं और उनको खेल का जो है पूरा मजा करने देते हैं, ठीक है? तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। बेटे आपको पता है जब आपको छुट्टी होती है ना, छुट्टी हो और बहुत अच्छा मौसम हो, क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? खेलते हैं सभी, है ना? हमें ये होता है ना कि कितना अच्छा मौसम है, चलो बाहर जाकर खेले। और जो बॉयज हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट बॉल, है ना? तो इस पार्ट में भी बेटे क्या है कि संडे का जो है रविवार का दिन होता है और बहुत अच्छा जो है वेदर होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो हम बाहर जाकर मिलकर कोई गेम खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि चलो हम ना क्रिकेट खेलेंगे। वो क्रिकेट खेलने का फैसला करते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो वहां पे उनकी दो टीम्स बन जाती हैं, एक सोना टीम और दूसरी हीरा टीम। कौन सी टीम बन जाती है? एक सोना टीम और दूसरी हीरा टीम। और दोनों टीम्स में क्या होते हैं, 11-11 को खिलाड़ी नियत कर देते हैं कि इसमें खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है? कि दोनों टीम्स में 11-11 खिलाड़ी होंगे, ठीक है? जैसे लेकिन बेटे गेम शुरू होने लगता है तो वो जिद करने लगते हैं, वो कहते हैं कि पहले मैं बैटिंग करूंगा, दूसरे कहते हैं नहीं पहले हम करेंगे, तो उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी बेटे उनके जो वहां पे अंपायर अंकल होते हैं, कौन है वो? दीपक अंकल। दीपक अंकल क्या बनते हैं उनके खेल में? अंपायर, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं कि बेटे आप लड़ो मत, ठीक है, हम इस चीज का फैसला करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक सिक्का ले लेते हैं। सिक्का होता है ना क्वाइन, देखो, है ना? तो ये सिक्का ले लेते हैं, कहते हैं हम इसके साथ टॉस करेंगे, ठीक है? जो टीम की जीत जाएगी हम सिक्के को उछालेंगे, तो वो पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग मतलब हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? बल्लेबाजी, और इंग्लिश में बैटिंग, ठीक है? तो वो सिक्का लेते हैं, जो शेर वाला पहलू होता है वो किसको मिलता है? देखो इसमें दो होते हैं ना सिक्के के, दो साइड, एक शेर दूसरी तरफ कोई अंक मतलब नंबर लिखा होता है ना, तो जो शेर वाली साइड होती है वो मिलती है सोना टीम को, और जो अंक वाली साइड होती है वो मिलती है हीरा टीम को। और ऐसे वो सिक्के को ऊपर को उछालते हैं, और उछालने के बाद जो है जो अंक वाली साइड होती है ना बेटे वो ऊपर आ जाती है। अंक वाली साइड किसको मिली होती है? साइड मतलब पहलू, जो सिक्के का अंक वाला पहलू किसको मिला होता है? हीरा टीम को। और हीरा टीम जो है टॉस जीत जाती है, है ना? तो सबसे पहले वो उनको बैटिंग करने की बारी आती है। लेकिन बेटे जैसे ही वो लोग बैटिंग करने लगते हैं, शुरू करनी होती है, तो हीरा टीम के जो सभी बॉयज होते हैं ना लड़के, सब आपस में लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, फाइट शुरू हो जाती है, पहले मैं बैटिंग करूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं करूंगा, है ना? लड़ने लग जाते हैं। तो अंकल ने क्या कहा कि देखो आप लड़ाई मत करो, बैटिंग तो सभी को करनी है, लेकिन एक बार में थोड़ी आप 11 लड़के इकट्ठे बैटिंग करोगे, एक एक लड़का करते ना बेटे, इकट्ठे तो कर नहीं सकते। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना स्लिप्स बना लेते हैं। उन्होंने क्या किया बेटे, ये देखो ऐसे ना उन्होंने स्लिप्स के ऊपर अलग अलग नंबर लिख लिए, किसी पे 1, किसी पे जो अलग अलग नंबर 9 से लेकर 11 तक सारे नंबर लिख लिए, और उनकी ऐसी स्लिप्स मतलब पर्चियां बना ली, उनको हम पर्चियां बोलते हैं स्लिप्स, ठीक है? कि हम क्या करेंगे, हम स्लिप्स उछालेंगे ऐसे ऊपर, ये देखो जैसे हमने इतनी सारी स्लिप्स बना ली ना, इनको हम ऊपर ऐसे उछालेंगे और
जिस टीम को लड़के को जो नंबर आएगा वो उस नंबर पे बैटिंग करेगा, जिसकी स्लिप में 1 नंबर आया वो फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करेगा, जिसकी स्लिप में 8 नंबर आया वो 8 नंबर पे बैटिंग करेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं इस बात को मान जाते हैं। ठीक है, और फिर ये अपनी अपनी स्लिप्स उठाते हैं और स्लिप्स के अकॉर्डिंग वो अपनी बैटिंग करनी शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो है उनके अंपायर अंकल, दीपक अंकल, जो बहुत ही समझदार होते हैं, अपनी समझदारी से वो क्या करते हैं, उन बच्चों को समझा के उनके खेल में उनका पूरा साथ देते हैं और सब मिलकर खेल का बहुत मजा करते हैं और क्रिकेट का खेल शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसे क्या हुआ, कैसे किया उन्होंने ये सब, एक समझदारी से। लेकिन जहां समझदारी नहीं होती वहां क्या होती है, वहां हमेशा लड़ाई होती है। तो आप लोगों ने भी कभी भी बेटे कुछ भी गेम खेलनी है या आप क्लास में हो, टीचर आपसे कुछ पूछता है, तो आपने पहले मैं नहीं करना। क्लास में भी करते हो ना, टीचर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चे मैम पहले मैं, है ना, ये गलत बात होती है। टीचर भी आपको हमेशा टर्न वाइज बेटे सब कुछ बारी बारी से बुलवाते हैं कि एक एक बच्चा खड़ा होके बोलेगा, इकट्ठे में तो कुछ समझ भी नहीं लगता है ना। हमें भी जब सब इकट्ठे बोलने लग जाओगे तो आपको खुद को ही नहीं समझ लगेगा कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, खेलते समय क्लास में हर जगह समझदारी से काम लेना। तो बेटे अब मैं आपको इसके देखो ये शब्द अर्थ बता रही हूँ, इसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो डिफिकल्ट, उनके मीनिंग देखिए। जैसे क्या था, सुहावना, कि बहुत सुहावना मौसम था, है ना, सुहावना मतलब सुंदर, सुख, मजेदार। ठीक है, अब जैसे गर्मियों में बारिश पड़ती है, ठंडा मौसम होता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं कि आज मौसम बहुत ज्यादा सुहावना है। नेक्स्ट अंपायर क्या होता है, जो खेल में निर्णय करने वाला आदमी, खेल में निर्णय मतलब फैसला करता है, बताता है कि आपने ठीक बॉलिंग की, आपकी बैटिंग सही थी, आपने सिक्सर मारा, आपने चौका मारा, जो भी है ना, वो सारा निर्णय कौन कर रहा होता है, अंपायर, जो उनको सारी इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है। नेक्स्ट संख्या मतलब गिनती, ठीक है, 11-11 की उन्होंने संख्या नियत की थी ना, ठीक है, तो संख्या का मतलब गिनती। नेक्स्ट सूझबूझ, समझदारी, सूझबूझ मतलब समझदारी, ये हमेशा समझदारी से सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक यू।